आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल में पास्ता। इसे बनाने के लिए हमने पास्ता को बॉईल कर लिया है। अब हमने कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटी हुई प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और सब्जियों के नरम होने तक इसे पकाएंगे। सभी सब्जियां जो है वो नरम हो चुकी हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसे ढक कर टमाटर के नरम होने तक पकाएंगे। ये देखिए टमाटर जो है वो नरम हो चुका है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए पास्ता को डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और टोमेटो सॉस डालेंगे। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा देसी स्टाइल का पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। इस पास्ता को बनाना बहुत ही आसान है और ये जल्दी से बन भी जाता है। इस तरीके से आप पास्ता बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अगर हमारी वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।